उत्तर पूर्व दिल्ली हिंसा में शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल राजस्थान के सीकर गांव तिहावली के रहने वाले थे। 1998 में रतनलाल दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गोकुलपुरी सब डिवीजन के एसपी अनुज के ऑफिस में थी। गोकुलपुरी के सब डिवीजन अनुज भी इस हिंसा में जख्मी हो गए थे। उन्होंने बताया कि रतन एक बहादुर पुलिसकर्मी थे। उन्होंने गोकुलपुरी में हुए कई दंगों और अपराधों को रोकने के पुलिसकर्मियों को बहादुरी से नेतृत्व किया था। कर्मचारियों ने बताया कि बुखार के बावजूद रतनलाल ड्यूटी पर थे। रतनलाल के तीन बच्चे जिसमें 12 साल की बेटी सिद्धि, 8 साल की बेटी कनक और 7 साल का बेटा राम है। आखिरी बार रतन अपने घर एक महीने पहले अपने रिश्तेदार के देहांत होने के बाद गए थे। रतन ने अपने बीवी बच्चों से वादा किया था कि इस साल होली पे गांव तिहावली जाएंगे। टीवी पर रतनलाल के मौत की खबर सुनकर पत्नी सहित परिवार के अन्य लोग भी दिल्ली आ गए। रतन के भाई ने बताया कि रतन ने कभी भी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो एक सच्चे देशभक्त थे और वो विंग कमांडर अभिनंदन की देशभक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके जैसी ही मूछे भी रखी थी। हिंसा में रतन की मौत के बाद रतनलाल के ग्रामीणों ने उनके लिए शहीद के दर्जे की मांग की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने शहीदों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की बात रखी है। साथ ही ग्रामीणों ने गांव के स्कूल में स्थित स्टेडियम का पूर्व नामकरण कर रतनलाल के नाम पे रखने की मांग भी की है।